हेलो दोस्तों, आपका मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज चर्चा का विषय है बुध ग्रह को लेकर। तो आइए जानिए बुध ग्रह के विषय में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में बुध ग्रह सबसे निकटतम ग्रह होते हैं, और वैदिक ज्योतिष में इन्हें राजकुमार की उपाधि दी गई है। जहाँ सूर्य देव को किंग की उपाधि मिली हुई है और चंद्रमा को क्वीन की उपाधि मिली हुई है, वहीं बुध ग्रह को राजकुमार की उपाधि उनको दी गई है। बुध ग्रह हमारे बुद्धि के कारक है, हमारे इंटेलिजेंसी के कारक है, ये वर्बल और रिटन कम्युनिकेशंस के कारक है, मीडिया के कारक है, राइटिंग एबिलिटी, जो लिखने की जो क्षमता जो होती है, आप अपने ज्ञान को, अपनी भावनाओं को कितना अच्छा शब्दों में पिरोते हैं, ये सारी जो काबिलियत है वो बुध ग्रह देते हैं। स्पीकिंग एबिलिटी, आप कितना बढ़िया आप किसी के सामने बोलते हैं, अपनी बातों को आप कितने बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारी काबिलियत भी बुध ग्रह वो देते हैं। उसके बाद बुध ग्रह साक्षात बिजनेस के कारक है, और एजुकेशन और रिसर्च के भी कारक हैं। रीजनिंग और लॉजिकल जो ब्रेन, जो माइंड जो होता है, जो एनालिटिकल जो माइंड आप कह सकते हैं, रीजनिंग माइंड आप कह सकते हैं, लॉजिकल, आप कितने लॉजिकल हैं, ये सारी चीज़ें बुध ग्रह वो देते हैं। उसके बाद जो भी स्मरण शक्ति जो है वो भी बुध ग्रह के अधीन है। आपकी कितनी अच्छी स्मरण शक्ति है, ये आपको बुध ग्रह से रिलेट है ये सारा का सारा चीज। और जो भी स्किन है, त्वचा है, ब्रेन, पूरा का पूरा ब्रेन आप कह सकते हैं, ये बुध ग्रह रिप्रेजेंट्स करते हैं। और जो भी छोटे छोटे जो नर्व्स जो होते हैं वो बुध ग्रह के अधीन है। उसके बाद बहन हो गई, बुआ, मौसी, इनको भी बुध ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा अगर दिन की बात करें तो सारे लोग जानते हैं इनका दिन बुधवार का होता है, और रंग हरा होता है, दिशा नॉर्थ की दिशा होती है, कई विद्वान उत्तर पश्चिम को भी बुध की दिशा मानते हैं। राशि स्वामी की बात करें तो मिथुन और कन्या राशि इनकी अपनी राशि है, और जिनमें कन्या इनकी मूल त्रिकोण राशि मानी गई है। रतन पन्ना, मेटल की अगर बात करें तो पीतल, कांस्य या शीशा को भी बुध का मेटल माना गया है। कन्या राशि में उच्च के होते हैं और मीन राशि में ये नीच के होते हैं। और महादशा समय की अगर बात करें तो इनकी महादशा की अवधि 17 वर्षों की होती है। और बॉडी पार्ट्स की अगर बात करें, शारीरिक अंग की अगर बात करें, तो स्किन और नर्वस सिस्टम को ये रिप्रेजेंट्स करते हैं। इसके अलावा जो भी आर्म्स है, आर्म्स, ईयर है, कान, लंग्स हो गए, फेफड़ा, और जो भी गर्दन जो हो गया, इन सारे चीज़ों पर भी बुध का कंट्रोल होता है। अगर व्यवसायिक दृष्टि से अगर बात करें, ऑक्यूपेशंस की अगर बात करें, तो बुध आपको एक सक्सेसफुल आपको बिजनेसमैन बना सकता है। और आप कह सकते हैं कि जितने भी कॉमर्स है, ट्रेड है, बिजनेस है, सब इन्हीं के अधीन है, तो आपका कैरियर इन सारे फील्डों में अच्छा साबित हो सकता है। इसके अलावा आप अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर भी आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है, क्योंकि सारा हिसाब किताब बैंकिंग सेक्टर में होता है। कंप्यूटर फील्ड भी बहुत आपके लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर पूरा का पूरा कंप्यूटर फील्ड बहुत ही एनालिटिकल, रीजनिंग और लॉजिकल वो फील्ड है जो बुध ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो भी आप एस्ट्रोलॉजर्स बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, आप अच्छा गणितज्ञ बन सकते हैं, मैथमेटिशियन, आप अच्छे मैथमेटिक्स के लेक्चरर, टीचर, प्रोफेसर बन सकते हैं। अगर बुध बहुत ही शुभ रहा आपकी कुंडली में तो आप इंजीनियर बन सकते हैं, डीलर बन सकते हैं, ब्रोकर बन सकते हैं। और मीडिया पर्सन आप बन सकते हैं, चाहे वो
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया। इसके अलावा आप अच्छे सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हो सकते हैं, और कॉल सेंटर बीपीओ सेक्टर भी आपके लिए बहुत बेहतरीन हो सकता है। नेटवर्किंग फील्ड भी आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। और आगे जाने कि क्या हो अगर बुध आपकी कुंडली में अशुभ हो जाए। अगर बुध आपके कुंडली में अशुभ अगर हो जाए तो आपकी स्मरण शक्ति का लॉस हो सकता है, उसमें कमी आ सकती है, आवाज़ में खराबी आ सकती है, या आवाज़ का साफ न होना, हकलाना, तुतलाना, ये सारी चीज़ें आपको बुध ग्रह दे सकते हैं अगर वे अशुभ रहें तो। सूंघने की शक्ति क्षीण हो सकती है, उनमें कमी आ सकती है, और बहुत बोलना और या कटु बोलना, वाणी दोष आप कह सकते हैं, कहीं ना कहीं आप वाणी दोष से पीड़ित हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा बोलने की आपको आदत सी हो जाएगी, और आपके आसपास के लोग आपसे इसी बात को लेकर परेशान रहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं। दांतों की बीमारी आपको हो सकता है, और व्यापार और शेयर बाजार में आपको लॉस हो सकता है, और मैथमेटिक्स का कमज़ोर होना भी ये बुध आपको दे सकते हैं, अगर बुध अगर अशुभ अगर रहे तो। बहुत सारे माता पिताओं को मैंने देखा है कि वे अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान होते हैं कि उनका बच्चा गणित में बहुत कमज़ोर है, तो गणित डायरेक्टली रिलेट है मरकरी से, तो कहीं ना कहीं मरकरी अगर ख़राब है तो बच्चे को गणित में मनने लगेगा, इंटरेस्ट कम हो जाएगा, और वो मैथमेटिक्स उनका बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा। त्वचा का रोग आपको हो सकता है, और बहुत हद तक गूंगापन भी, ये बहुत ज़्यादा अगर इश्यू अगर हो गया तो गूंगापन भी आपको ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा जनरल एनालिसिस रहा मरकरी को लेकर, बुध ग्रह को लेकर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।